गुरुदेव, क्या देवता सच में होते हैं या ये हमारी कल्पना है? यदि होते हैं तो उनके होने का पता कैसे लगाया जाए? जो दिखता है ये दुनिया बहुत छोटा हिस्सा है अनंत के, जो नहीं दिखता है वो बहुत कुछ है। हम क्या जो देखते हैं वही सच मानते हैं? जो तुम नहीं देखते वो भी होता है कि नहीं? आपकी आंखों को तो दिखता नहीं है, मगर एक बायनाकुलर लेके, माइक्रोस्कोप लेके देखते तो वो बहुत बड़ी अजीब जगत वहां दिखने लगते। अमेरिका में एक इसके ऊपर एक चित्र ही बनाया। आपको आंखों को दिखता नहीं है, मगर वो होता है। हमारे शरीर के चारों ओर रंग होते हैं, वाइब्रेशंस होते हैं, सूक्ष्म शरीर होते हैं। यहाँ पर भी है हमारे कैरेलियन फोटोग्राफी, हमारे रिसर्च विंग में आप जाओ, फोटो ले लो, उनके पास है वो। उसमें दिख जाता है आपको कि आपकी चक्र जो आपके आंखों को नहीं दिखता है, उसका अलाइनमेंट है कि इधर उधर हो गया। आपकी जो प्रभा है, ऑरा है, वो सब उसमें दिख जाता है। बिल्ली को पूरा नजर आता है रात को, आपको तो अंधेरा लगता है, बिल्ली के लिए तो सब दिख जाता है। और उल्लू रात को ही दिखता है, उल्लू को दिन में आंख बंद कर लेता, उल्लू दिन में उल्लू को कुछ दिखता नहीं इतना प्रकाश होने पर। तो प्रकाश जब बहुत ज्यादा हो जाता है तब भी नहीं दिखता, बहुत कम हो जाता तब भी नहीं दिखता। हमारी दृष्टि की दायरा बहुत कम है, मगर अस्तित्व दृष्टि के दायरे के बाहर है। बस इतना समझो, हमारी जो पंच ज्ञानेंद्रिय है, देखना, सूंघना, सुनना, स्वाद लेना, स्पर्श करना, इसकी देहरा बहुत कम है, और इसके बाहर बहुत दुनिया है। ऐसे ही देवता भी हैं, मगर वो देवता ऐसा नहीं मुकुट पहन के, साड़ी पहन के है, वत्स तुम्हें क्या चाहिए, और त्रिशूल लेके आए। आज कोई देवता त्रिशूल लेके आएंगे तो उनको कोई पूछने का नहीं, सामने वाला राक्षस AK-47 लेके आ जाएगा। ये नहीं है, देवता दिव्य शक्ति है। त्रिशूल है कि नहीं, ये सब हम कल्पना कर लेते हैं, बाकी और सारे बहुत कुछ, मगर देवता एक शक्ति है। हर धर्म में इसको मानते हैं, इस्लाम में फरिश्ते कहते हैं, ईसाइयों ने उसको एंजल्स बोलते हैं, बौद्धों ने देवता, बौद्ध जैन और हिंदू सिख में देवता कहते हैं। परमात्मा के ही ये सब विविध प्राकट्यकरण हैं, उनके ही अंग है, अभिव्यक्ति है, सब एक ही परमात्मा, एक ही प्रकाश, उसके अभिव्यक्ति अलग अलग रंग, अलग अलग रूप, अलग अलग प्रकाश, ये है सच। इसलिए देवता नहीं नहीं बोल सकते। देवता नहीं बोलने का यही मतलब है कि सूरज के किरणों में सात रंग नहीं है, दिखता नहीं है। भाई जरा एक कांच की टुकड़े रखे देखो, वही सूरज का किरण में सात रंग दिखेगा अलग अलग। इंद्रधनुष, जब जब बारिश होता है तो इंद्रधनुष होता है, इंद्रधनुष कहाँ से आ गया? सूरज की किरण के ही तो है। ऐसे ही देवता है, सारी देवता सूरज के किरण के इंद्रधनुष जैसा है। वो हमेशा नहीं दिखते, कभी कभी दिखते, ऐसा हो इंद्रधनुष कभी कभी तो दिखता है ना, हमेशा होता है। ऐसे गणपति का उत्सव आया, उस वक्त वो गणपति की जो चैतन्य है वो अनुभव में आने लगा लोगों को। और सब मिलके बोलते अय्यप्पा अय्यप्पा शरणम अय्यप्पा, गाना गीत गाते, या कार्तिक वो श्रावण मास में कावड़ी लेके आते, हर हर महादेव। तो उस वक्त वो उस चेतना की
अनुभूति लोगों को होने लगता है। तिरुपति जाते हैं तो वो एक अनुभूति होने लगती है।